सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 9 के विज्ञान विषय के लास्ट चैप्टर खाद्य एवं संसाधनों में सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है तथा भोजन हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स, खनिज, लवण ये सब प्रदान करता है। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। भोजन हमें एनर्जी भी प्रदान करता है। तो पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, हम प्रायः समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि ये क्यों आवश्यक है? हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही क्यों निर्वाह नहीं कर पा रहे? बिल्कुल सही, भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ से भी अधिक है तथा इसमें बच्चों लगातार वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अन्न के उत्पादन की और आवश्यकता होगी और यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से ही संभव हो सकती है। परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता नहीं हो सकती। इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना ही बहुत आवश्यक हो गया है। अभी तक के फसल उत्पादन को बढ़ाने के हमारे प्रयास कुछ सीमा तक ही सफल रहे हैं। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है तथा श्वेत क्रांति द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया है और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया है। इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारे प्राकृतिक संपदाओं को अब बहुत अधिक उपयोग हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा जो है उसको बहुत हानि हुई है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों की क्षति ना पहुंचाएं। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपूर्ण प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। तो केवल फसलों के उत्पादन को बढ़ाकर तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। तो खाद्य सुरक्षा, हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय बढ़नी चाहिए जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। संपूर्ण जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण, संगठित कृषि कृषि प्रणालियां आदि अपनानी चाहिए। बहुत सारी जो फसलें हैं उसको एक ही साल में लेना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को डालना या एक ही जमीन के ऊपर बार बार किस तरह से फसलों को बदल बदल कर उगाना इत्यादि। फिर फसल को हार्वेस्ट करने के बाद उसके भंडारण के समय भी उसको बचाना इत्यादि, यह सब शामिल है। तो बच्चों, अब सवाल यह उठता है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को बढ़ाएं कैसे? तो उसके लिए हम आगे वाले वीडियो को देखेंगे, किस तरह की टेक्निक्स को यूज करके फसलों का उत्पादन बढ़ सकता है। तो हमें खाद्य संसाधनों की में सुधार की जरूरत किस लिए पड़ती है? उसको मैंने इन तीन भागों में बांट दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि या तो फसल की किस्मों का सुधार करना पड़ता है जिसमें उसका उत्पादन बढ़ जाए, या फिर जैविक अजैविक प्रतिरोधकता आ जाए, परिपक्व काल में अंतर हो जाए, व्यापक अनुकूलता आ जाए, किस्मों में सुधार हो जाए। इन सब चीजों को हम एक एक करके आगे आने वाले भाग में लेंगे। या फिर हम फसल उत्पादन में सुधार करना है तो उसके पोषण का प्रबंधन करना पड़ेगा, उसमें खाद तथा उर्वरक का हिसाब किताब करना पड़ेगा, उसमें इरिगेशन या सिंचाई देखनी पड़ेगी,
कि उसके क्या क्या प्रबंध हैं, फसल का प्रक्रम भी देखना पड़ेगा कि तरह तरह की प्रणालियां हैं, मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण है या फिर फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन वगैरह है। और इसके बाद तीसरा भाग आता है फसल सुरक्षा प्रबंधन, फसल पकने के बाद भी हमें उसके उसको उसको फसल के पकने के दौरान बीमारी से बचाव, खरपतवार से बचाव या कीटों से बचाव, तथा जब उसको स्टोर कर रहे हो, संग्रहण कर रहे हो, तब भी जैविक कारक है, अजैविक कारक है जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे उसका किस तरह से बचाव किया जा सकता है, ये सारा मटेरियल इस आने वाले भाग में हम कवर करेंगे। तो बच्चों पहले जान लेते हैं हम कि ज्यादातर फसलों की क्या क्या प्रकार होती है। तो एक तो अनाज है, सीरियल जिनको कहते हो, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि इसमें है, ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। दूसरे हो जाते हैं बीज। बीज में सारे बीज खाने योग्य नहीं होते हैं, जैसे कि सेब का बीज आप खाते थोड़ी हो, तो चेरी का बीज हम खाते नहीं है। इसी तरह से खाने वाले बीजों की अगर बात करें तो उसमें दालें हैं या मूंगफली है, ये सब हमें क्या देते हैं, ये हमें सब वसा प्रदान करते हैं। तीसरी आ जाती है दालें या पल्सी, में चना, मटर, काला हरा कोई भी चना या मसूर या और भी दालें आप जानते हैं, ये हमें सब क्या प्रदान करते हैं, प्रोटीन प्रदान करते हैं। चौथा भाग आ जाता है सब्जियां, मसाले व फल जो है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब हमें क्या देते हैं, ये मुख्यतः हमें विटामिन तथा खनिज लवण प्रदान करते हैं। तो आप कुछ उदाहरण जैसे सेब, आम, चेरी, केला, तरबूज सब्जियां, इस तरह के उदाहरण, पालक सब्जियों में आती है, पालक, पत्तेदार सब्जियां, मूली। मसाले आ जाते हैं जैसे मिर्च, काली मिर्च हो गई, चारा वाली फसलें जैसे कि जई है, सूडान ग्रास है, पशुधन के चारे के रूप में इन सबका उपयोग करते हैं। इन सब तरह की फसलों के उत्पादन में सुधार की आवश्यकता होती है। तो बच्चों फसलों को हम मुख्यतः दो भागों में, दो प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। एक होती है खरीफ की फसल और एक होती है रबी की फसल। खरीफ की फसल बरसात के मौसम में उगती है, जून से अक्टूबर तक का इसका साइकिल रहता है। काला चना और चावल है, सोयाबीन, धान जो है वो इसकी उदाहरण हो जाती है। रबी की फसल जो है वो नवंबर से अप्रैल तक चलेगी। इसमें इसे सर्दी की फसल भी कहा जा सकता है और खरीफ को गर्मी की फसल भी कहा जाता है। तो रबी की फसल में गेहूं आ गया, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सारी उदाहरणें आ जाती हैं। बच्चों इस खरीफ और रबी के प्रश्न को आपने अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर करना है, क्योंकि इसमें डिफरेंस जरूर पूछ लिया जाता है आपके पेपरों में। तो फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया फसल के किस्मों की सुधार और दूसरा हो गया फसल उत्पादन के प्रबंधन में क्या क्या हम योगदान कर सकते हैं। तो इसके लिए रोपण के लिए विकल्प है बीज, या फिर फसल पौधों का पोषण, या फसल के बढ़ने और कटाई तक उसकी सुरक्षा, इस तरह से हम इसको अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं। तो मेन कारक, जिन कारकों के लिए फसल के उत्पाद की जो वैरायटी है उसको हमने उत्पाद उसको सुधार करना है, वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो उच्च उपज है, ज्यादा हमने उपज लेनी है, उसके सुधार की गुणवत्ता है, उसमें कोई वैरायटी में ही इम्प्रूवमेंट चाहिए कि हमें उसमें कोई मिनरल ज्यादा करना है या कोई भी विटामिन ज्यादा करना है। फिर उसमें जैविक तथा अजैविक प्रतिरोध पैदा करवाना है कि उसको टेम्परेचर है, वो बारिश है, इन सब में सबके अगेंस्ट प्रतिरोध पैदा हो जाए, या फिर उसके ऊपर बहुत जल्दी कोई कीट ना लगे। फिर परिपक्वता अवधि में परिवर्तन है, जितनी छोटी परिपक्वता अवधि होगी उतना ही किसान के लिए फायदा हो जाएगा कि वो एक और फसल लगा सकता है। व्यापक अनुकूलनशीलता, ऐसा ना हो कि जो वैरायटी बनाई है वो एक ही थोड़े से जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही अनुकूलित है, बाकी जगह पे वो उगाई नहीं जा सकती है। तो जो भी वांछनीय कृषि विशेषताएं हैं, जो कि जिस तरह की भी वो फसल है उसमें जो भी वांछनीय है, कि अगर वो चारा फसल है तो बहुत सारे पत्ते या ब्रांचेस होनी चाहिए, या अगर वो हमारी सीरियल क्रॉप है, गेहूं है, धान है, तो उसकी हाइट छोटी होनी चाहिए, इस तरह की वांछनीय विशेषताएं भी उनमें होनी चाहिए। तो बच्चों अभी चलते हैं कि क्रॉप की जो वैरायटी का इम्प्रूवमेंट करना है वो कैसे किया जा सकता है। तो ये इम्प्रूवमेंट आप नहीं करेंगे, या फिर एक जो है फार्मर है वो नहीं करेगा, किसान नहीं करेगा, बल्कि यह वर्ण संकरीकरण, मतलब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये कौन करेगा, ये प्लांट ब्रीडर करेगा या साइंटिस्ट करेगा। तो ये तीन लेवल्स पे हम इसको समझ सकते हैं कि या तो दो अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर
एक जो है नई वैरायटी बनाई जाती है जिसे हम अंतर प्रजातिक वर्ण संकरीकरण कह सकते हैं या इसको हम इंटर वैराइटल कह सकते हैं। फिर इसके अलावा इससे थोड़ा ऊपर अगर हम जाएं तो अंतर जातीय हो सकती है, मतलब जीन तो एक ही है पर उसकी नस्लें अलग अलग हैं, इसे हम इंटर स्पेसिफिक या अंतर जातीय भी कह सकते हैं। और तीसरी होती है अंतरवंशीय, अंतरवंशीय में जीन ही अलग अलग हो जाता है, मतलब जीनस अलग अलग हो जाता है। तो जो जिसमें जीनस अलग है उसको मिलाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और जो इंटर वराइटल है या अंतर प्राजातिक है उस एक्सपेरिमेंट के उस तरह की वैरायटी बनाने के रिजल्ट सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस रहते हैं। तो इन तीन तरीकों से जो प्लांट ब्रीडर है, जो साइंटिस्ट है, वो वर्ण संकरीकरण या हाइब्रिडाइजेशन करके वैरायटीज में इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इसके अलावा बच्चों फसलों की वैरायटी को सुधारने का एक और तरीका है जिसे बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आप समझ सकते हैं। उसके अंदर उसमें एक ऐसे जीन को डाल देना होता है, एक वैरायटी के अंदर एक बाहर से जीन को डाल देना होता है, तो इससे जीन संवर्धित फसलों की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों ने बीटी कॉटन के बारे में सुना हुआ होगा, तो इसका नाम ही बीटी कॉटन है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कॉटन है। तो इसी तरह से जो हम आज बैंगन खा रहे हैं, बड़ा बैंगन खा रहे हैं, वो भी बीटी ब्रिंजल ही है। इस तरह की प्रोसेस से ही ये दोनों पौधे बने हैं। जो पहले कपास थी वो बहुत ज्यादा उसमें कीड़ा लग जाता था, बट जो अब बीटी कॉटन है या नरमा है इसमें इस तरह का कीड़ा नहीं लगता है। तो जो फसलों की किस्मों का सुधार है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, वो हर जगह एक जैसा नहीं रिक्वायर्ड है। बुआई का तरीका कैसा है, बुआई का मौसम कैसा है, वहाँ की मिट्टी की क्या गुणवत्ता है, पानी की उपलब्धता कैसी है, इन सब पे निर्भर करता है। क्योंकि सूखा और बाढ़ जैसे हालत अप्रत्याशित हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो किसी तरह तरह की विभिन्न प्राकृतिक हालत और लवणीय मिट्टी आदि इन सब में कैसे इन सब के प्रति कैसी सहनशीलता है, इस तरह की किस्में अगर हम डेवलप करते हैं तो उनको उपयोगी माना जाता है। तो इस तरह से ये तो बच्चों मेनली क्या क्या कारक हैं जिसके लिए फसलों की किस्म को सुधारना पड़ता है। एक है ऊंची उपज कि प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़े, तभी तो फायदा होएगा ना किसान को भी। दूसरा है सुधरी हुई गुणवत्ता, तो एक फसल की गुणवत्ता दूसरे से अलग हो, गेहूं के पकने की खासियत होगी, दाल में प्रोटीन का कंटेंट अमाउंट कितना है, तिलहन में तेल होना चाहिए, या फल या सब्जियों के भंडारण की गुणवत्ता, ऐसा ना हो कि उसको बहुत ही जल्दी वो भंडारण के दौरान खराब हो जाती हैं। या फिर जैविक एवं अजैविक प्रतिरोध कि अनाज का उत्पादन सारे इसी तनाव के, जैविक और अजैविक तनाव के कारण से कम हो सकता है, जैसे कि इन जैविक के जैसे बीमारियां हैं, कीड़े हैं, कृमि हैं, ये उसको अटैक करेंगे। अजैविक में सूखा है, लवणीयता है, सॉल्ट कंटेंट है, बाढ़ आ गई, ठंड है, पाला पड़ गया, इन सब चीजों के अगेंस्ट भी प्रतिरोध भी किस्मों के अंदर होना चाहिए, बढ़ सके, इस तरह का भी एक एम होता है उनका। फिर परिपक्वता अवधि में परिवर्तन कि जो अनाज उत्पादन है उसकी लागत कम कैसे होगी, कम अवधि वाली अगर नस्लों का विकास होएगा तभी तो उसकी लागत कम होगी। परिपक्व एक जैसी परिपक्वता अवधि इनकी कटाई की प्रक्रिया को भी आसान बनाकर इस दौरान होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं हम। इसी तरह से व्यापक अनुकूलन, ऐसी नस्लों को विकास करना करने की जरूरत है जो डिफरेंट पर्यावरणिक स्थितियों में भी जीवित रह सके। तरह तरह का एनवायरनमेंट है, हर जगह का जो है सॉयल है, हर जगह की रेनफॉल है, वो सब अलग अलग है, तो सबके अंदर ये कोई जो भी वैरायटी हमने बनाई है वो ज्यादा से ज्यादा तरह के जलवायु के अंदर वो चल सके, लगाई जा सके। फिर वांछनीय कृषि आर्थिक लक्षण, जैसे कि चारा देने वाली फसलें हैं उनको उनको लंबा होना चाहिए, उनकी शाखाएं भी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो चारा ज्यादा होएगा ना। इसी तरह से अनाज के पौधे हैं तो उनको बौना होना चाहिए ताकि एक तो वो जमीन से कम पोषक तत्व का शोषण करेंगे, अगर उनका अपना ही शरीर इतना बड़ा होगा तो वो बिना मतलब से बहुत सारा पोषण जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और दूसरा अगर बारिश हो जाती है तो उसके बाद उस टाइम पे मान लीजिए इस तरह से पौधे के अंदर जो है सीड सेटिंग हो चुकी है, ये बन चुका है गेहूं, तो
तो उसके बाद बारिश हो जाती है और हवा चल जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी जड़ें कितनी कमजोर होंगी, तो वो पूरी की पूरी फसल जो है वो बैठ जाएगी, इस तरह से पूरी की पूरी फसल जो है वो बिछ जाएगी। और उसके बाद अगर वो गेहूं, अगर वो दानों ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, शोषित कर लिया, तो उसके बाद उसके खड़ा होना मुश्किल है, और वो फसल जो पूरी की पूरी जो दाना है वो काला पड़ जाएगा। इसलिए जो वांछनीय कृषि आर्थिक लक्षणों से युक्त नस्लों का विकास उच्च उत्पादकता के लिए हमेशा सहायक होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्हीं कारकों को मैंने आपके लिए एक एक दो दो लाइन के अंदर लिख के भी आपको दे दिया है, ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में भी इजी हो जाए, या फिर आपको अपने प्रश्न का उत्तर करने में भी आपको इजी हो जाएगा। सेम इस तरह से आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं, इंटर वराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनेरिक। मैंने अभी अभी आपको ये सारी संकरण की विधियों के बारे में अभी पीछे वाली स्लाइड के अंदर भी बताया था कि कैसे आप इन तीन तरह से किस्मों का सुधार कर सकते। तो बच्चों फसल उत्पादन में सुधार की जो तकनीक इस्तेमाल की जा सकती है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, उसको हम तीन भागों में भी स्टडी करेंगे, जैसे कि पोषण प्रबंधन जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मैनेजमेंट करना, सिंचाई, इरिगेशन, और इसी तरह से फसल को उगाने का तरीका या फसल के पैटर्न्स जिनको क्रॉपिंग पैटर्न्स कह सकते हैं वो करेंगे। तो बच्चों पोषक प्रबंधन की बात करते हैं, पौधों को फसलों को पोषण जो है वो कहाँ से मिलता है? हवा से, पानी से तथा मिट्टी से पोषण की प्राप्ति हो जाती है। पौधों के लिए 16 तरह के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 16 तरह के होते हैं। इसी तरह से इन पोषक तत्वों की अगर हम बात करें इनकी कमी की, तो इनकी कमी से उनकी प्रजनन क्षमता पे इफेक्ट हो सकता है, उनके विकास में, उनकी वृद्धि में कमी हो सकती है, उनकी संवेदनशीलता सेंसिटिविटी में उनके कमी आ सकती है, उनकी शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं फसलों की उनके उनके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पोषण को प्रबंधित करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर फसल अच्छी लेनी है। तो जैसा कि मैंने बताया, तो अभी देखते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और कहाँ कहाँ से मिलते हैं। कि अगर हम बात करते हैं कार्बन या ऑक्सीजन, है ना, ये पानी से मिल जाएगी। हाइड्रोजन है, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो कार्बन और ऑक्सीजन हवा से मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और 13 और पोषक तत्व हैं। तो कुल मिलाकर 16 पोषक तत्वों को हम जो पौधे हैं वो हवा से, पानी से तथा मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनको दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं दोस्तों पढ़ने के लिए। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो उनको पौधों को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है वो वायु से वो भूमि से दोनों से प्राप्त होती है आप, और जो कि अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पौधों को क्यों चाहिए? क्योंकि नाइट्रोजन को पौधे हवा से डायरेक्टली तो नहीं, बट सॉइल में जो सॉल्युबल फॉर्म है जिसको हम नाइट्रेट बोलते हैं, उस फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे पानी के साथ ही। और नाइट्रोजन क्यों चाहिए पौधों को? क्योंकि नाइट्रोजन से अमाइनो एसिड बनेगा, और अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनेगा, और आप जानते हैं कि प्रोटीन से ही तो पौधे की जो है वो वृद्धि होगी, या पौधे की जो शारीरिक संरचना है वो बनेगी। इसके अलावा फॉस्फोरस है, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, वो तत्व हैं जो बहुत थोड़ी मात्रा में ही पौधे को चाहिए। लौह तत्व है, मैग्नीज, है ना, तो ये कम मात्रा में ही पौधे को आवश्यकता होती है। बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरीज हैं। तो पोषण को देने के लिए खाद तथा उर्वरक की जरूरत पड़ती है, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे और फसल का उत्पादन भी ज्यादा हो। तो उसके लिए अगर हम खाद की बात करते हैं, मैन्योर की बात करते हैं, ये अच्छा स्रोत होता है जिससे कि कार्बनिक पदार्थ सारे मिल जाएंगे। यह मिट्टी को थोड़ी मात्रा में मिट्टी को पोषण प्रदान करेगा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व नहीं होंगे, पर लॉन्ग रन में ये एक अच्छा पदार्थ है। यह प्राणियों से ही उत्सर्जित होएगा, उनके अपशिष्ट से बनता है, उनकी डिकेइंग से, डिग्रेडेशन से ही बनता है, उनके अपघटन से ही बनता है। तो इसको आर्टिफिशियली नहीं तैयार करते, नेचुरली बनेगा। तो
तो बच्चों खाद जो है वो कई तरह की हो सकती है, जैसे कंपोस्ट खाद है, वो अवशेष पदार्थ, कूड़े करकट, पशुओं के गोबर, मनुष्य के मल मूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया के द्वारा, अपघटन के द्वारा खाद के रूप में जब बदला जाता है तो इसको कंपोस्टिंग कहते हैं। तो ये कंपोस्ट तैयार हो जाता है। इसी तरह दूसरा वर्मी कंपोस्ट, सिर्फ फर्क इतना है कि इसके अंदर केंचुए का उपयोग किया जाता है, तभी तो इसका नाम हो गया कंपोस्ट की जगह वर्मी कंपोस्ट। तीसरी होती है हरी खाद, जिसको हम ग्रीन मैन्योरिंग भी बोल देते हैं। तो कुछ फसलें उगाने से पहले अगर कुछ छोटे साइकिल वाली फसल उगा ली तो थोड़ा बीच में समय बच जाता है। तो कुछ तेज बढ़ने वाले पौधे हैं, उनको उसके अंदर उगा देते हैं, जैसे ग्वार है उसको उगा दिया, ठीक है, उसके अंदर क्या होएगा, वो पौधे बहुत जल्दी उग जाते हैं, जल्दी उगने के करके, ढैंचा उसकी एक एग्जाम्पल है, जो बहुत जल्दी जब उग जाएंगे तो उसको उसी के ऊपर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है और उससे ही वो पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाएंगे। मिट्टी को वो क्या क्या देंगे, नाइट्रोजन देंगे, फॉस्फोरस देंगे, बहुत सारा ह्यूमस देंगे। इस तरह से हरी खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे तरह के पोषण जो भी पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं उनको हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, उनके स्रोत को भी लिस्ट कर दिया कि कौन सा कहाँ से मिलेगा। तो जो दूसरे होते हैं, जो जिसे पोषण मिलना है खाद के बाद, उर्वरक या फर्टिलाइजर। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कारखानों में तैयार किए जाते हैं, वो मैन मेड हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ये केमिकल जो कंपाउंड्स हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, उनके इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। इसमें ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम, एनपीके फर्टिलाइजर इनको कह देते हैं। तो ये बहुत थोड़ा डालना पड़ता है और ये आराम से अवशोषित कर लेगा पौधा इनको, क्योंकि ये डायरेक्ट ही आप दे रहे हो, ये पानी में भी सॉल्यूबल है, घुलनशील है। पर इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आपने ये नहीं सोच लेना कि फर्टिलाइजर अच्छे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर लॉन्ग रन में पौधे को तो नहीं, बट हमारी जो जमीन है, हमारी जो क्रॉप का लैंड है, उसको खराब कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, खाद और उर्वरक में जो है आपको डिफरेंस, यहाँ पे अंतर जो है वो बताया है। इसके अंदर आपने ये जरूर समझ लेना है कि फर्टिलाइजर डालने से एकदम से हम पोषण देकर बहुत सारी फसल तो उगा पाते हैं, पर हम इन लॉन्ग रन अपनी जो मिट्टी है उसकी किस्म जो है, उसकी उसका जो है उसकी क्वालिटी जो है, उसको खराब कर लेते हैं। इसलिए उर्वरक की जगह हमें हमेशा खाद का ही उपयोग करना चाहिए, चाहे वो कंपोस्ट है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, चाहे वो ग्रीन मैन्योर है। अब बारी आती है सिंचाई की। सिंचाई के लिए कई प्रकार के जल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कृषि भूमि के लिए पानी की आपूर्ति की जा सकती है। इसमें कुएं हो गए, नहर हो गई, या रिवर लिफ्ट सिस्टम है, नदी लिफ्ट प्रणाली है ना, या फिर टैंक हो गए, ये सब शामिल है। यहाँ आप देख सकते हो ये एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, और जिसके अंदर एक एक बूंद जो है वो पौधे के जड़ों के बिल्कुल पास पहुंच जाती है, तथा दूसरे केस में यहाँ पे आप एक स्प्रिंकलर सिस्टम देख सकते हैं, जो कि पानी को बहुत दूर तक इस तरह से फैला के भेज पाता है। तो बच्चों, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपके एग्जाम को भी मैं बहुत साथ साथ में ध्यान रखती हूँ, तो सिंचाई की प्रक्रिया को मैंने आपके लिए दो दो तीन तीन लाइन के अंदर यहाँ पे लिस्ट कर दिया हुआ है, ताकि आपको लिखने में, नोट्स बनाने में भी आसानी रहे। तो खुदे हुए कुएं या डगवेल की पहला तरीका, या फिर ट्यूबवेल जो कि दूसरा, तीसरा नहरें और रिवर लिफ्ट सिस्टम, चौथा जो उसके अंडर है, फिर तालाब या टैंक्स हैं उसमें से भी किस तरह से पानी में का संग्रहण करने के बाद सिंचाई की जाती है, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का संरक्षण, जितनी भी वर्षा का पानी है सीधे किसी टैंक में सुरक्षित इकट्ठा करने के बाद में इस्तेमाल के लिए, यह मृदा अपरदन को दूर भी करता है। इस तरह प्रक्रिया में पृथ्वी पर गिरने वाली वर्षा जल को रोका जा सकता है और पृथ्वी और भूमि में रिसने के लिए तैयार कर लेते हैं हम। तो वर्षा जल संरक्षण भी जो है वो बहुत ही एक सुचारू ढंग से हम पानी को जो सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, उसका एक माध्यम बनता है।
अब बारी आती है कि किस तरह से हम फसलों को उगाएं जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। पहली है मिश्रित फसल या मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसे सह खेती के रूप में भी आप कह सकते हैं, अंतर फसल के रूप में भी कह सकते हैं। इस प्रकार की कृषि है जिसमें एक ही क्षेत्र में एक या दो से अधिक पौधों का एक साथ रोपण करना होता है, जैसे कि मूंगफली के साथ सूरजमुखी लगा दी या गेहूं के साथ जो है अपना मस्टर्ड लगा दिया, सरसों लगा दी। इसी तरह से दूसरी विधि है इंटरक्रॉपिंग। इसमें एक ही क्षेत्र पर एक या दो से अधिक फसलों की खेती होती है और वो लाइन सिस्टम में होती है। आप देख सकते हैं कि कुछ डिस्टेंस पे एक और कुछ डिस्टेंस पे दूसरी हो जाती है। तीसरा है फसल रोटेशन या क्रॉप रोटेशन। इस अनुक्रम ऋतु में एक ही क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों की एक श्रृंखला को विकसित करने की यह प्रथा है। यह किया जाता है ताकि खेतों में मिट्टी पोषक तत्वों को केवल एक ही सेट का उपयोग नहीं किया जा सके। मतलब अगर हम हर बार ही एक बार गेहूं लगा देंगे, फिर धान, फिर गेहूं, फिर धान, तो जो मेन नाइट्रोजन है या फिर और इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो इन दो क्रॉप्स ने, फसलों ने शोषित करने हैं, वो ही कम होते जाएंगे और इस तरह से तो मुश्किल हो जाएगी। तो बार बार एक फसल के बाद, एक मेन नाइट्रोजन डिप्लीटिंग क्रॉप के बाद एक लेग्यूम लगा देना, एक दाल लगा देना, उससे नाइट्रोजन की उपलब्धता फिर से जमीन को हो जाती है। इसको हम फसल रोटेशन की तरह से समझ सकते हैं। फसल उत्पादन प्रबंधन में कि भारत में छोटे से लेकर बहुत बड़े खेत भी मौजूद हैं, तो छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं। तो जो छोटे किसान हैं उनके पास कम जमीन, कम पैसा, कम सूचना तकनीक पहुंचती है, तो उच्चतर निवेश और उपज में एक अंत संबंध होता है। किसान की वित्तीय स्थिति निवेश की क्षमता को निर्धारित करती है, जिससे आखिरकार खेती की व्यवस्था और उत्पादन के तरीके तय कर सकते हैं। तो इसलिए उत्पादन के तरीके विभिन्न स्तरों के हो सकते हैं कि या तो जीरो कॉस्ट है, कोई लागत नहीं है वाला उत्पादन, या फिर लेस कॉस्ट है, कम लागत वाला उत्पादन है, या उच्च लागत वाला भी तरीका हो सकता है, हाई कॉस्ट भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से तीन भाग हमने कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मिक्स्ड क्रॉपिंग और जो है इंटरक्रॉपिंग, वो आपको साइड बाय साइड दिखाई है, जिसके अंदर मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर हार्वेस्ट करना उस फसल को मुश्किल हो जाता है, अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना मुश्किल हो जाता है, जबकि इंटरक्रॉपिंग के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि ट्रैक्टर चलाया जा सकता है या अलग अलग उनकी अवधि है, अगर उनको अलग अलग हार्वेस्ट करना है उस चीज को भी, दोनों को अलग अलग से तरीके से वो पूरा कर सकते हैं। तो तीन तरह की हमने टेक्निक्स देखी, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण, इंटरक्रॉपिंग तथा फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन। तो दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना एक ही भूमि में एक ही समय में मिश्रित खेती कहलाती है। गेहूं और चना, गेहूं और सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी सब इनकी एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से इंटरक्रॉपिंग अगर बात करें तो अंतरा फसलीकरण क्या है, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही साथ एक खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर, इस तरह से आप देख सकते हो ये एक पैटर्न बन गया है, ठीक, इस तरह से एक ही कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा एकांतर में दूसरी पंक्ति में दूसरी फसल होती है। सोयाबीन तथा मक्का का कॉम्बिनेशन या बाजरा तथा लोबिया का कॉम्बिनेशन, इसकी एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। तथा तीसरा, क्रॉप रोटेशन किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को एक फसल चक्र कहते हैं। अगर बार बार एक ही खेत में एक प्रकार की खेती करते हैं, मैंने आपको भी बताया, तो एक ही तरह के पोषक तत्व मृदा से जो फसल है वो प्राप्त करती रहती है, तथा बार बार वही पोषक तत्व फसल से प्राप्त करने के करके उसको समाप्त हो जाते हैं मृदा के अंदर। तो हमें अलग अलग प्रकार की खेती करनी चाहिए जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है, ये कीट तथा खरपतवारों पर भी नियंत्रण रखते हैं, जो एक बार मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बाद कई प्रकार से फसल सुचारू रूप से और अगली बार भी लगाई जा सकती है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में जिसमें फसलों को और किन किन चीजों से हमें बचाना भी पड़ता है, जैसे कीड़े हैं, जानवर हैं, अनेक बीमारियां हैं, इन सबसे नुकसान हो सकता है हमारी जो फसल है। तो कीड़ों तथा पेस्ट को उचित समय पर ही नियंत्रण नहीं किया जाए तो वह पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह कीट फसलों पर तीन तरीके से कीट जो है वो हमला करते हैं। एक तो जो वो पौधे के जड़, तने तथा पत्तों को काट देते हैं, क्या कर देते हैं, काट देते हैं।
दूसरा वो पौधे के विभिन्न भागों से उसके कोशिका द्रव को चूस लेते हैं, उसमें सफेद सफेद धारियां आ जाएंगी, आप देखेंगे उसके सेल्स के द्रव को चूस लेंगे। इसी तरह से वो पौधों को कई बार अंदर से खोखला बना देते हैं, उसके अंदर चलते रहते हैं। तो बेसिकली क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंदर कीट व पीड़क नाशी फसल को वृद्धि के समय उसको मदद करना तथा अनाज के भंडारण को के समय उसमें मदद करना। तो खरपतवार जो कि वीड्स होती हैं, वो फसल के साथ साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे होते हैं, तो जैसे जेंथियम हो गया, पार्थेनियम हो गया, इस तरह के पौधे जो हैं वो मेन क्रॉप के साथ उगकर उससे कंपटीशन करेंगे, उसकी सनलाइट ले लेंगे, उसके पोषक तत्वों को जमीन से चूस लेंगे। इसलिए खरपतवार के लिए खरपतवार नाशक डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो यील्ड जो है कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसी तरह कीट हैं, कीटनाशक उसके लिए यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी क्या करेंगे, तनों पत्तियों को काट देंगे, उसके भागों को उसको उसको चूस लेंगे, उसका कोशिका का रस चूस लेंगे, इसलिए वो खराब करेंगे। इसी तरह पैथोजन हैं, रोगाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस है, ये सब भी उसके ऊपर इस तरह की डिजीजेस कर सकते हैं, बीमारियां कर सकते हैं। बैक्टीरियल, फंगल, वायरल सिर्फ आप ही को बीमारियां नहीं होती, पौधों को भी बच्चों बीमारियां सी हो जाती हैं, और उससे भी फसल की पूरी जो यील्ड है, उसकी प्रोडक्शन है, उसके ऊपर असर होएगा, तो फार्मर का भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फसल उगाने पर फार्मर का हर लेवल पे बहुत सारा पैसा भी तो खर्च हो रहा है। तो जब बच्चों पूरी फसल उग गई, उसका सब तरह से हमने सुधार कर दिया, उसको बचाव लिया हर चीजों से, और फसल हार्वेस्ट भी होगी, काट ली गई है, तो उसके बाद उसका स्टोरेज करना है। पता है आपको कि अनाज के भंडारण के समय पे भी फसलों में बहुत सारा जो है बीमारियां हो सकती हैं, लॉस हो सकता है। फसलों के ऊपर जैविक कारक भी हो सकते हैं, अजैविक कारक भी हो सकते हैं, जो कि उसको प्रॉब्लम्स करेंगे, बायोटिक और एबायोटिक रीजंस हो सकते हैं। जैविक प्राणियों में, जैविक कारकों में जीवित प्राणी आ जाएंगे, जैसे कि कीट है, चिड़िया है, चिचड़ी है, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब मिलके उसको अफेक्ट करेंगे, और स्टोर फूड ग्रेन जो कि हमारे गोदामों में होते हैं, या फिर हमारे गनी बैग्स में, बोरों में भरे होते हैं, या फिर सिलोस में होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर, इन सब के अंदर ही वो इनको बीमारियों से ग्रस्त कर देंगे और खाने योग्य नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह अजैविक कारकों में एबायोटिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जैसे कि नमी है गोदाम के अंदर की, उसकी तापमान में अनियमितता है, ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई वहां पे, इन सब से भी, अजैविक कारकों से भी वो हमारा स्टोर्ड जो फूड ग्रेन है, हमारा जो बीज है, वो सारा खराब हो सकता है। अब बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक खेती, ये आपने काफी सुना है आजकल, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का बहुत चलन है, ऑर्गेनिक फूड का बहुत चलन है। तो जितने भी हमने अभी कीटनाशक बात करी, उर्वरकों की बात करी, फर्टिलाइजर की, इन सब के अपने दुष्प्रभाव होते हैं, यह प्रदूषण फैलाते हैं, यह लंबे समय के लिए मिट्टी की उपजाऊ की शक्ति को, गुणवत्ता को कम कर देते हैं, तो इसलिए इनको यूज नहीं करना चाहिए। तो फिर जो हम अनाज फल सब्जियां प्राप्त करते हैं, उससे अगर हमें हानिकारक रसायन मिले होते हैं, वो हमारी फूड चेन में आ जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां कर देते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक खेती में ना या ना के बराबर कीटनाशक तथा उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका आजकल बहुत चलन है। अनाज को सुरक्षित भंडारण गृह पर पहुंचने से पहले भी अनाज को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न उपाय जो कि भविष्य में इस्तेमाल हो, वो निम्नलिखित है, जैसे इसको ड्राई करना है ना, सन ड्राई कर देना, या इसकी सफाई का ध्यान रखना, इसमें पहले के बहुत सारे कीड़े या उन चीजों के कोकून नहीं होने चाहिए, या छतें, दीवार है, फर्श है, इनके अंदर भी अगर कोई दरारें हैं, वो सब कुछ भर के दो ताकि नमी वगैरह ना आ सके। इसी तरह फ्यूमिगेशन, धूमक का प्रयोग करना, जो भी गोदाम तथा भंडारण गृह होता है उसके अंदर अच्छे से फ्यूमिगेशन करने के बाद ही भंडारण करना चाहिए। इसी तरह स्टोरेज की डिवाइसेस की बात करें, तो कुछ भंडारण उपकरण है, भूसा धानी है, भूसा कोठार है, पंत पुटला है, उपकरण संरचनाएं, इस तरह की चीजें अपनानी चाहिए, ताकि साफ तथा सूखा धान दाना प्लास्टिक के बैग में सुरक्षित रखा जाता है, या फिर तो इनमें वायु, नमी, तापक्रम का प्रभाव नहीं होता, बाहर के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता। इस तरह से किसी भी लेवल पे हम अगर कोई भी केमिकल ना यूज करें, बाकी सब चीजें इस तरह से करें, ताकि टोटल बीजने से लेकर काटने, स्टोर करने तक कोई भी केमिकल नहीं यूज हुआ, तो इस तरह की खेती को कार्बनिक खेती कहते हैं तथा यह बहुत यूजफुल होती है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप सबको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगला भाग देखना ना भूलें, अपना पशुपालन के संसाधनों में वृद्धि के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उस पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच।